अस्सलामुअलैकुम। आज का करते हैं ब्लॉग स्टार्ट कुकिंग के हवाले से, ठीक है ना। आज बना रहे हैं चावल, ठीक है। बिस्मिल्लाह। ये क्या है? ये दो प्याले हम पकाएंगे, ढाई प्याले, ठीक है। तब तक इसको ना हम सॉफ्ट कर लेते हैं, पानी में भिगो देते हैं, फिर बाद में आपको बताती हूँ। आलू वाले चावल पका रहे हैं, ठीक है। उसके लिए हम लेंगे एक बड़ा प्याज, ठीक है, थोड़ा सा लहसुन अदरक, ठीक है। उसके बाद लेंगे एक बड़ा टमाटर, ठीक है, और ये 10 से 12 हरी मिर्चें, और ये 3 छोटे छोटे लगा लें, 2 बड़े थे, 1 छोटा टमाटर, 1 आलू था, 2 बड़े 1 छोटा आलू था, 2.5 किस्म के आलू हैं ये, मैंने काट लिए। 3 बड़े आलू ले लेना आप, 3 बड़े आलू, इसको आपने ना इस तरह मोटे मोटे काटने हैं, ठीक है। 3 आलू ले लें, 1 गिलास पानी ले लें, जब तक मसाला भून रहे हैं हम। उसके बाद आ जाते हैं ये सूखा धनिया पिसा हुआ 1 चम्मच, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी सी लाल मिर्च, और 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच कुटी मिर्चें, और 1/2 चम्मच ज़ीरा, दालचीनी, मोटी इलायची, धनिया के फूल जो इसको कहते हैं ये फूल, और 2 लौंग, और ये काली मिर्ची। करते हैं कुकिंग स्टार्ट अपनी, ठीक है। 1/2 कप तेल लेंगे हम इसमें, ये देख सकते हैं तेल, ठीक है। 1/2 कप तेल ले लें आप। ये अपनी एक प्याज काटनी है जो मैंने पूरी खाई है, प्याज डाल दी, और इसके साथ ही मैंने जो ज़ीरा, दालचीनी, धनिया के पूर्ति खाए थे वो सारे डाल देंगे इसके अंदर। फ्राई में ना जायका अच्छा आ जाता है, जैसे बड़े मज़े के खा रहे हम फ्राई में, जीरे इसकी खुशबू आ जाती है। देखिए ये मैंने 7-8 हरी मिर्ची जो फ्राई की आपको मैंने इसमें चॉप कर दी हूँ। देखिए थोड़ा सा ब्राउन हुआ है ये प्याज, इसमें मैंने लहसुन अदरक डाल दिया। इसके साथ ही मैंने इसके अंदर ना आलू डाल दिए, 3 आलू काटे थे मैंने, आपको बताया भी ना 3 आलू। आलू इसके डाल के फ्राई के अंदर ये ना आलू का ना टेस्ट बड़ा अच्छा था, फ्राई होते थे गल ही जाते हैं ना, मोटे मोटे काटे होते हैं। तो मैंने बड़ा आलू और ना तो हरी मिर्च रुकी रखी है, बाकी चॉप कर ली मैंने, सारी डाल दी, बाकी सारे मसाले भी डाल दिए मैंने अच्छे टाइम। थोड़ा सा पानी डाल दूँगी, डालते थे पका के, अगर तुम आप लोग नाप के भी डालते कोई मसला नहीं है, ठीक है ना। हमने 2.5 प्याली चावलों की ली थी, 2-3, अब 4 प्याली डाल देना, ठीक है ना। खड़े खड़े चावल बड़े अच्छे बनेंगे। अब ये वाले में ना ये आलू डाल भी देंगे और चावल डाल देते हैं। देखते पानी बोल गए, 5 मिनट बाद बड़े मज़े के चावल बनते हैं, तो ज़रूरी नहीं हर दफ़ा चिकन के पकाएं आलू वाले, इतने मज़े के चावल पकते हैं। आप ज़रूर ये रेसिपी ट्राई करना, ठीक है ना, नए तरीके से ना। और आप लोग मुझे कमेंट भी बताना कि आप लोग किस तरह बनाते हैं अपने घर में, क्या आपको आलू चावल अच्छे लगते हैं, आलू वाले चावल इस तरह बनाते जैसे मैंने बनाए अपने घर में, क्योंकि हमारी अम्मी ऐसे बनाती थी तो हमें ऐसे ही अच्छे लगते हैं खाते। तो वो हर चीज़ ना खुद ही अपने आप जेन से बनाती थी मेरी अम्मी, कि कभी होता था कि इसके साथ मैं यूँ कर दूँ, इसके अंदर मैं थोड़ा सा चिकन डाल दूँ, वो अपनी रेसिपी खुद बनाती थी। तो हमने भी कभी किसी की रेसिपी नहीं देखी, तो हम भी अपनी रेसिपी खुद बनाते हैं, ठीक है ना। तो आप लोग मुझे कमेंट में लाजमी बताना कि आप लोग किस तरह बनाते हैं,
क्या आप लोगों को आलू के चावल अच्छी लगती हैं? ठीक है, अब इसको हम रख देते हैं। ये पानी सोफ हो जाएगा, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए पानी इसका सोख गया, ठीक है ना। अब हम अपने आँच हल्की कर देते हैं दम्बो वाली, ठीक है। बिस्मिल्लाह, ये गर्म मसाला अगर हमने डालना हो तो खुशबू बड़ी अच्छी आती है। हमने गर्म मसाला डाल दिया इसके अंदर, ठीक है। अब हम इसको डाल कर खाते हैं। इसको मैं 15 मिनट के लिए दम पर रखूँगी। मैंने 15 मिनट दम पर रखा हुआ है, ठीक है ना। अब मैं एक चम्मच ना ये ज़रदा रंग लूँगी, 10 मिनट बाद में इसके अंदर ज़रदा रंग डालूँगी। ये मैंने इसके अंदर डाल के ना अब पानी थोड़े से पानी में हल कर दूँगी इसको मैं ना। अब 15 मिनट का दम कहा था ना मैंने, 10 मिनट हो गए हैं, तो 10 मिनट के बाद ना हमने ना ज़रदा रंग डालना। ये मैंने ना जब दम पर लगाए थे तब भी मैंने भिगो के रखे थे आपके सामने, ठीक है। तो मैं 5 मिनट के लिए ना रख दूंगी। थोड़ा सा ना और है तो ना अब और डाल देते हैं। जब डाल देते दम पर 5 मिनट बाद हम खोल देंगे। अब ये आँख तेज करके ना हम बंद कर देंगे, ठीक है ना। बंद खोल देंगे, देखिए कितनी प्यारी खुशबू है, कितनी अच्छी लुक आई है। देखिए तेल भी, देखिए मैंने जितना डाला था उतना भी ठीक रहा तेल, ज़्यादा तेल भी नहीं खाना चाहिए ये चावलों में ना, तेल बढ़ता रहे। देखिए आपको आज की वीडियो कैसी लगी है, और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब और शेयर लाजमी कीजिए। और आप लोग मुझे कमेंट बताना क्या आप लोग इस तरह ही बनाती हैं अपने घर में, आप लोगों को किस तरह अच्छी लगती है रेसिपी। तो मैं आप लोगों के लिए अच्छी से अच्छी वीडियो भेजती रहूँगी। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।